हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ न्यू ब्लड प्रेशर गाइडलाइन तो जैसे कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस जो है आपके साथ शेयर की है लेकिन अब जो आज की जो वीडियो है वो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर के बारे में वीडियो है कि अब जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए पहले भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 टवेंटी बाई एटी ही था लेकिन एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर था 120 ट्वेंटी बाई सॉरी 120 ट्वेंटी से लेकर के 129 के बीच में एलिवेटेड प्रेशर जो है वो माना जाता है यानी कि सिस्टोलिक जो प्रेशर होना चाहिए वो 120 से 129 के बीच में रह सकता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो बेलो एटी भी हो सकता है यानी कि अस्सी से नीचे भी जा सकता है यानी कि सेवेंटी तक रह सकता है और हाई ब्लड प्रेशर कब माना जाएगा यानी कि अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे हम हाइपर टेंसिव स्टेज वन कहते हैं पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर कब होगा और जब सिस्टोलिक प्रेशर 130 या फिर 139 या 140 हो जाता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं 135 या फिर 140 इस बीच में अगर सिस्टोलिक प्रेशर रहेगा और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 से लेकर के 89 या फिर 90 हो तो उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो यानी कि पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो 139 थर्टी नाइन बाई नाइन्टी भी रहता है तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर मानते हैं यानी कि उसे हम हाइपरटेंसिव हाइपरटेंसिव स्टेज वन जो है उसे हम मानते हैं नेक्स्ट आता है हाई ब्लड प्रेशर हाईपर टेंसिव ड्रग uh, स्टेज टू यानी कि स्टेज टू कब होगी जब ब्लड प्रेशर 140 होगा या फिर इससे अबव हो जाएगा यानी कि ब्लड प्रेशर जब 140 से ज़्यादा हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेशर जब 140 से ज़्यादा हो जाएगा और डायस्टोलिक प्रेशर भी 90 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे हाइपरटेंसिव स्टेज टू जो है वो मानते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब हम मानेंगे जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 120 हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस Uh, मानते हैं और उस टाइम पर इमीडिएट पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है यानी कि उसे उसी वक्त एमरजेंसी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और हाइपरटेंसिव स्टेज कब होगी हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होगा जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वन वन एटी बाई वन टवेंटी हो जाएगा तो ये न्यू गाइडलाइन है न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो वन ट्वेंटी बाई एटी होना चाहिए एलिवेटेड जो है वन ट्वेंटी से लेकर वन ट्वेंटी नाइन और डायस्टोलिक होगा ब्लो Uh, 80 हो सकता है और हाइपर uh, हाइपरटेंसिव स्टेज वन कब होगी तो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से लेकर के 139 के बीच में रह सकता है और डायस्टोलिक 82 89 के बीच में रह सकता है और स्टेज टू कब होगी हाई ब्लड प्रेशर कब होगा जब 140 या फिर अबव हो जाए या फिर सिस्टोलिक प्रेशर 90 या अबव हो जाए तो उसे हम स्टेज टू कहेंगे और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होगी जब ब्लड प्रेशर वन अबव वन एटी और टाइस टोलिक अबव वन ट्वेंटी हो जाएगा उसे हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग